फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टमक के बारे में बात करेंगे। लाइव प्रोसेस के जो डाइजेशन वाला पार्ट था जिसमें हम लोग माउथ का ईसोफेगस की बात कर चुके हैं, सॉरी माउथ का बकल कैविटी का बात कर चुके हैं, आज हम लोग फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टमक के बारे में भी करेंगे। तो फेरिंग्स क्या है? फनल शेप स्ट्रक्चर है। तो ये आप देख रहे हैं नेजल म्यूकोसा, नेजल के सामने वाला जो हिस्सा है फेरिंग्स का वो नेजोफेरिंग्स है, जो ओरल कैविटी के सामने वाला हिस्सा है वो ओरोफेरिंग्स है, और जो लैरिंग्स के सामने वाला हिस्सा है वो लैरिंगोफेरिंग्स है। आप देख पा रहे हैं कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड, वाटर और एयर के लिए। तो जो फूड एंड वाटर होगा वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से जो है पास होकर के स्टमक में चला जाएगा, और जो एयर है वो लैरिंग्स के थ्रू होता हुआ, ट्रेकिया के थ्रू होता हुआ लंग्स में जाएगा। इस तरीके से ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है फूड, वाटर और एयर के लिए। अब हम लोग ईसोफेगस के बारे में अगर हम बात करें तो एक लॉन्ग ट्यूबुलर कैनाल है, लॉन्ग है ट्यूबुलर है कैनाल है ईसोफेगस, जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर की है, और इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, कोई डाइजेशन का काम नहीं होता। बस इसमें खास तौर से गोब्लेट सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल्स होती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, और इसका इसमें जो मस्कुलेचर होता है, जो मस्कुलर सेल्स होती हैं, मसल सेल्स होती हैं, वो प्रोमिनेंटली होती हैं, और इस वजह से इसमें क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होते रहते हैं। तो जो मसल सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं रेगुलर इंटरवल पे, और इस वजह से जो फूड का बोलस है वो आगे की ओर प्रोसीड होता है, और इस तरह की जो मूवमेंट होती है जो कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सन की, वो मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है। इस वजह से ये ऑल ओवर द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस में प्रेजेंट है, और जो है स्टमक में और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल और लॉन्ग इंटेस्टाइन में। तो पेरिस्टाल्टिक की वजह से जो है फूड का जो बोलस है वो आगे की ओर प्रोसीड होता है। हम लोग अगर बात करें अब ऑर्गन जो है स्टमक की, ये लगभग जे शेप्ड मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोरेज का काम करता है, मेनली फूड आकर के इसमें स्टोर होता है ईसोफेगस से होता हुआ। और इसके फोर पोर्शन है, ये जो हिस्सा ईसोफेगस से जुड़ता है उसे कार्डिक कहते हैं, क्योंकि ये डायफ्राम वाला हिस्सा और डायफ्राम के ऊपर ये हार्ट का रीजन होता है, इसी वजह से इस हिस्से को कार्डिक रीजन बोलते हैं। ये हिस्सा फंडस और ढेर सारा जो बड़ा हिस्सा है वो बॉडी ऑफ द स्टमक कहलाता है, और जो इंटेस्टाइन से जुड़ने वाला हिस्सा है वो पाइलोरस कहलाता है। अब अगर हम एनाटॉमी की बात करें स्टमक की, तो जो अंदरूनी लेयर है, जो इनर साइड की लेयर है, वो म्यूकोसा है, उसके बाहर में जो है सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलोसा और सिरोसा। तो जो म्यूकस लेयर है, जो म्यूकोसल लेयर है, उसमें ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। वो ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड की यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, वो ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो ग्लैंड मेनली गोब्लेट सेल की बनी होती है, और वो गोब्लेट सेल क्या करती है म्यूकस का सीक्रेशन करती है, और म्यूकस क्या करता है HCL से जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है उसको HCL से बचाता है। HCL एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो पैराइटल या ऑग्जेंटिक सेल से सिक्रीट होता है HCL, जो यहाँ पर एसिडिक मीडिया को मेंटेन करता है, फूड के थ्रू आए हुए पैथोजेंस और माइक्रोब्स को किल करता है, वहाँ एंजाइम्स जैसे पेप्सिनोजेन आदि एंजाइम्स हैं उनको जो है, जो जाइमोजेन होती है, जो प्रो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो चीफ सेल होती है खास जिससे पेप्सिनोजन सिक्रीट होते हैं, और पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम होते हैं जिन्हें एक्टिव पेप्सिन में HCL कन्वर्ट करता है। HCL वहां पर एसिडिक मीडिया तैयार करता है स्टमक के अंदर, और इस तरह से वहां पर डाइजेस्टिव माहौल तैयार करता है। हम स्टमक की बात करें, जैसे मस्कुलर स्ट्रक्चर है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में ये स्टमक प्रेजेंट होता है। और अगर फंक्शन की बात करें तो स्टमक स्टोरेज का काम करता है, चर्निंग ऑफ फूड का काम करता है, मतलब फूड को बोलस को मिक्स करना पूरे गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू में, और पार्सल डाइजेशन होता है यहाँ पर, जैसे कि बताया कि पेप्सिन जो है पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम में पेप्सिनोजन के फॉर्म में निकलती है, और HCL की हेल्प से वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होती है, और प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ते हैं, पार्सल डाइजेशन करते हैं। तो प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। फाइनल डाइजेशन तो हम तब माने जब प्रोटीन अमाइनो एसिड लेवल तक टूट जाए, तो वो फर आगे जो है इंटेस्टाइन में घटना घटेगी। कुछ मात्रा में यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं जो कि बहुत थोड़ा बहुत फैट को, लिपिड को फैटी एसिड में चेंज करते हैं, और फूड को प्रोग्रेस किया जाता है इंटेस्टाइन में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटेस्टाइन और उसमें जो है होने वाली घटनाएं और उसके डाइजेशन के बारे में बात करेंगे।